बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार ज़बरदस्त मटर मसाला पुलाव, और बहुत ही मज़े की बहुत ही यमी सी रेसिपी है। और ये मैं अपनी एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, और आई होप अगर वो वीडियो को देखेगी तो वो समझ जाएगी। उससे मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप पुलाव की रेसिपी भी शेयर करें, तो मैं उसके लिए ये बना रही हूँ स्पेशली। और चले आई मैं इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने जो लिए हैं मटर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो, वो मैंने छील लिए थे। छीलने के बाद तकरीबन ये 400 ग्राम्स मेरे पास ये मटर हैं। उसके बाद प्याज मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की, वो मैंने कट कर ली है। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4 अदद। अब ड्राई मसालों में आ जाते हैं। ड्राई मसालों में मैंने लिए है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है वो ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ, काली मिर्ची मैंने लिए 8 से 10, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 3-4 लौंग लिए हैं मैंने, 1 आधा जो है वो बादयान का फूल लिया है, और ये सौंफ लिए हैं मैंने तकरीबन आधा चम्मच, इनको मैंने बारीक सा क्रश कर लिया है, मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए जो मैंने लिए हैं वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, चिकन क्यूब्स लिए हैं मैंने 2, लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, और हल्दी लिए मैंने 1/2 टीस्पून। और लेमन आपको नज़र आ रहे होंगे, और पुलाव में तो लेमन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे करना है। और क्यों करना है ये मैं आपको इंशाल्लाह रेसिपी के मिड में बताऊँगी कि ये मैंने लेमन किस पर्पज़ के लिए रखे हैं और मैंने क्यों यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो जो है फुल वॉच करनी होगी। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल चूल्हा मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब मैं तकरीबन इसमें 2 कप के करीब ऑयल डालूंगी, और जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा तो फिर हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चल स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें ये दालचीनी, लौंग ये डाल देनी है। 2 मिनट इसको मैंने हल्का से ऐसे फ्राई करना है। अब जो इसकी खुशबू आने लगी बड़े मज़े की, तो अब मैंने इसमें डाल देना है ज़ीरा। और काली मिर्चें। अब मैंने प्याज शामिल कर देनी है। अगर आपको मसाले का जो पुलाव का कलर है वो डार्क पसंद है तो आपने प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और अगर आपको वाइट पुलाव पसंद है तो आपने इसको जस्ट सोते करना है, इसका कलर नहीं लेके आना है इसको। तो क्योंकि मैं यहाँ पे मसाला पुलाव बना रही हूँ तो मुझे इसका कलर चाहिए, तो मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज हमारा जल्दी से फ्राई हो जाए तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी हमारा ये जो प्याज है ब्राउन हो गया है, तो अब मैंने इसमें मटर शामिल कर देने हैं, साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर जो है हमने 2-3 मिनट फ्राई कर लिए थे अच्छे से, देखें बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए, तो अब हम इसमें मसाले डाल दें। अब हम इसमें डाल देने टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद, टमाटर ऐड करने के बाद, अब मैंने ये जो क्यूब था मैंने इसको एक क्रश कर लिया है, इसको वो हमने डाल देना है, और दूसरा जो है हमने वो बाद में यखनी में डालना है। और साथ ही हमने ये जो कुटा हुआ सौंफ और गरम मसाला था ये भी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अच्छे से जो है भून चुका है, ये देखिए। तो अब उसमें पानी शामिल करेंगे। 1 किलो चावल मैंने जो है वो कच्चा बासमती चावल लिया था, उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं भिगो के रख दिए थे। अब उनमें तकरीबन मैं 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो के करीब मैं पानी डालूँगी। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैं चावल शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है वो हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन क्यूब जो मैंने एक बचा ली थी वो, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। जैसे ही ये क्यूब जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल मैंने ले लिए थे
अच्छा, बासमती चावल था जिसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं चावल इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल मैंने ऐड कर लिए, इसमें शामिल कर लिए हैं। तो मैं एक ज़बरदस्ती आपको टिप देती चलूँ यहाँ पे कि जब भी आप को अंदाज़ा ना हो कि चावलों में पानी कितना डालना है, तो आप उंगली से चेक कर लीजिए कि चावल जब आप डालें पतीले में, तो आप यूँ 1 इंच तकरीबन पानी जो है वो चावलों से ऊपर होना चाहिए, तो आपके चावल परफेक्टली डन होंगे, उनको वो गलेंगे नहीं ज़्यादा, हलवा नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब तो बारी आ गई लीमू डालने की। लीमू हमने क्यों डालना है अभी भी आपको बताती हूँ। देखें, चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, तो अब मैंने इसमें स्क्वीज़ कर देना है लीमू, एक छोटा लीमू, और चावलों को मिक्स कर देना अच्छे से। इससे चावल आपके बहुत ही मज़ेदार खड़े खड़े बनेंगे, चावलों का हलवा नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 20 मिनट हो गए हैं, चावल हमारे ये देखो ज़बरदस्त था, जिनका पानी है वो हो गए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो गए हैं हमारे, तो हम देखते हैं चावलों को दम लगा है कि नहीं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, जो मेरा पुलाव है वो तैयार हुआ है, और बहुत ही खिले खिले से और ज़बरदस्त से जो राइस हैं वो बिल्कुल मज़े से तैयार हो गए। बहुत ही दानेदार और खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है। आपने ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करनी है, और मुझे बताना है, फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मज़ीद आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।